हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर लर्निंग इंग्लिश विद बी एम शर्मा। गाइस, टुडे वी आर रीडिंग लेसन नंबर 3, ग्रोइंग अप पेन्स ऑफ द बुक रेजोल्यूशन इन क्लास 10th आरबीएसई। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10वीं, विषय अंग्रेजी की पुस्तक रेजोल्यूशन, सेकेंड बुक है, उसका तीसरा अध्याय है, ग्रोइंग अप पेन्स, किशोरावस्था के समस्याएं, किशोरावस्था के कष्ट, दर्द, जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 इसका शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1। तो साथियों, लेट्स फोकस योर अटेंशन ऑन ईच लाइन व्हिच आई डिस्क्राइब हियर बिफोर यू। एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको इस तरह समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरी आवाज़ सुन करके अपने हाथ में एक किताब रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक, कागज़ की बुक रख सकते हैं अपने हाथ में। उसमें आप पढ़ते चलें, मीनिंग्स को भी अंडरलाइन करते चलें, देखते चलें, ठीक है ना गाइस? तो आप विच एवर वे यू वॉन्ट टू चूज़ यू कैन। आप चाहें तो बुक स्क्रीन पर चल रही है उसको देख सकते हैं, या फिर दूसरी बुक देख सकते हैं, जनरल बुक देख सकते हैं, पेपर बुक। सी स्टार्ट ग्रोइंग अप पेन्स। ग्रोइंग अप का मतलब बड़े होना, बड़े होने का मतलब है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आना। किशोरावस्था या युवावस्था के क्या पेन्स हैं, क्या कष्ट हैं, क्या दर्द हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या पीड़ाएं हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद बताता हूँ या मैं अपने आप से बताता हूँ कि जीवन कठिन है। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने खड़े होता हूँ, एंड वॉच एक्नी, और अपने मुहासे को देखता हूँ, एक्नी को, दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज, जो कि बीमारी का एक ड्रेडेड स्कम है, डराने वाला रूप है, प्लेइंग हैवक, वो हैवक यानी तबाही, खतरा, तो वो तबाही मचा रहा है विद माई फेस, मेरे चेहरे के साथ में, पिंपल्स, कील, मुहासे हो गए हैं। जैसे हम किशोर होते हैं, किशोरावस्था में हार्मोनल इफेक्ट्स ज़्यादा होता है, बॉडी में चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से चेहरे पर मुहासे वगैरह भी निकल आते हैं किशोर और किशोरियों के। तो ये कील मुहासे मेरे चेहरे पर तबाही मचा रहे हैं, तब मैं अपने आप ही कहता हूँ कि जीवन कठिन है। आई विश, काश, आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट, काश मैं इन पिम्पल्स को, कील मुहासों को निकाल के बाहर कर देता विद अ वेव ऑफ द हैंड, अपने हाथ से। वेव का मतलब हाथ घुमाकर चेहरे पर, जादू की तरह कर सकता। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैं खुद ही कहता, दैट एक्नी इज़ अ टेम्प्रेरी रेविस, एक्नी या कील मुहासा जो है वो टेम्प्रेरी यानी अस्थाई, रेविस का मतलब यहाँ समस्या से है, तो एक अस्थाई समस्या है, दैट मेक्स लाइफ, जो जीवन को बना देता है अ लिटिल लेस कम्फर्टेबल, थोड़ा कम आरामदायक, फॉर अ टीनेजर, एक किशोर के लिए, 12 साल से 18-19 साल तक की उम्र है, ये टीनेज कहलाती है, इसको एडोलसेंस भी कहते हैं, एडोलसेंस किशोरावस्था, तरुणावस्था। बट इट इज श्योर साइन, लेकिन ये एक निश्चित लक्षण है ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, एक युवा में बदलने का। एक बच्चा है वो युवा तरुणावस्था में किशोरावस्था में बदलता है, उसका ये बिल्कुल पक्का निशान है कील मुहासे हो जाना। लाइफ इज टफ, जीवन कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं दर्पण से मुड़ जाता हूँ, वैन इट स्ट्राइक्स मी, जब यह मुझसे मेरे ऊपर चोट करता है, लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली के झटके की तरह से जब मुझ पर यह चोट करता है तो मैं दर्पण को छोड़ देता हूँ। माई वॉइस इज टर्न रफ, मेरी आवाज़ रफ हो गई है, थोड़ी भारी हो गई है, खुरदरी हो गई है, भारी, कठोर, ऑलमोस्ट रॉकस, और लगभग कर्कश हो गई है आवाज़ मेरी। इट ग्रेट्स, यह काटती है। इफ़ आई मे ऐड, यदि मैं जोड़ूँ, यदि मैं कुछ कहूँ तो यह काटती है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, अरे मेरी प्यारी और मधुर सी आवाज़ कहाँ चली गई है। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे सर्दी हो गई है। सच ग्रफनेस, इस तरह की जो कठोरता है, गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड, वो सर्दी के साथ साथ चलती है, जब भी सर्दी होती है तब गले में आवाज़ भारी हो जाती है, परिवर्तन आते हैं। बट द कॉमन कोल्ड, लेकिन आम सर्दी, एंड आई हैव नथिंग टू डू विद,
ईच अदर, आम सर्दी का और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सर्दी उसको हो ही नहीं रही है। एटलीस्ट, कम से कम, एट दिस मोमेंट, इस क्षण तो कोई लेना देना नहीं है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई असामान्य सर्दी भी होती है जिससे ऐसा परिवर्तन आता है। लाइट बेंटर, एक हल्का सा हंसी मजाक जो है, लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, मुझे खुश कर देता है, मेरे आत्मबल को बढ़ा देता है। अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, आम सर्दी जुकाम सभी लोगों के लिए आम सर्दी जुकाम ही है, कुछ अलग नहीं है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन हर बार जब भी मुझे सर्दी लगती है, विद अ डेंजरस कोल्ड, एक खतरनाक सर्दी से, तो वन दैट कुड किल, एक ऐसी खतरनाक सर्दी दैट कुड किल, जो मार भी सकती है। तो जब मुझे ऐसी खतरनाक सर्दी लग जाती है, सॉरी ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, हम ही नीचे आ गए थे कूद के, फिर से लौटते हैं। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन हर बार जब भी मुझे सर्दी लगती है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। तो अप्पा यानी पिताजी और अम्मा यानी माताजी के लिए यह अनकॉमन, असामान्य बन जाती है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, उनको लगता है कि मुझे खतरनाक सर्दी हो गई है, वन दैट कुड किल, ऐसी सर्दी जो मार भी सकती है, ऐसा महसूस करते हैं मेरे माता पिता। दे फोर्स मी इन टू बेड, वे मुझे जबरदस्ती बिस्तर में भेज देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास भेजते हैं मुझे। ओपल्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन टू माई सिस्टम, जो कि मेरे सिस्टम या बॉडी में सभी प्रकार की दवाइयाँ, शॉर्ट्स यानी प्रकार है, उनको पंप कर देते हैं, उनको अंदर डाल देते हैं इंजेक्शन से। व्हेन आई टीच देम, जब मैं उन्हें सताता हूँ, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, अति सुरक्षाकारी होने की वजह से, माता पिता कुछ अपने बच्चे को अति प्रेम करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से मैं उनको चिढ़ाता हूँ। तो दे ग्रंट, वे खुसमुसाकर कहते हैं गुस्से से, हाउ वुड यू नो, अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आर फियर्स, तुम अभी इतने छोटे हो कि हमारे फियर्स या हमारे डर को नहीं समझ सकते हो। आर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आर आईज, हमारे एकमात्र बच्चे हो, हमारे एप्पल ऑफ आईज यानी आंखों के तारे हो तुम। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मान लो कि वो मेरे फियर्स को समझते हों, मेरे भय को समझते हों। आई टू हैव माई फियर, मेरे अंदर भी अपना डर था, इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, और अगले दिन ऐसा नहीं था। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, इट हैज अपीयर्ड, यह एकदम से आ गया। उससे पहले डर नहीं था मेरे अंदर, लेकिन एकदम से डर मेरे अंदर आ गया। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं बताता हूँ, ओनली कॉवर्ड्स फियर, केवल कायर लोग फियर करते हैं, डरते हैं। आई एम नो कॉवर्ड, मैं कोई कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवेडो, लेकिन ये बहादुरी वाली बात जो है, डजन लास्ट मोर, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। तो साथियों, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सी यू इन नेक्स्ट लेसन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, टिल देन बाय बाय।